बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग करते हैं नहीं शुरू। आज मैं व्लॉग नहीं बना रहा, आपके लिए बहुत ज़्यादा खास वीडियो लेके आया हूँ। तो जी, जो बेकरियों में रस बंद वगैरह जाते हैं, सेल वगैरह होते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे तैयार किए जाते हैं और किन किन प्रोसेस से उन्हें गुजारा जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड और मज़े वाली वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से मुझे इस वीडियो की इजाज़त मिली है, तो मैं आपके साथ सारी वीडियो शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ, वीडियो को भी लाइक कर दें। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा रस और बन और एक क्या चीज़ थी, डबल रोटी। ये तीन चीज़ों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे तैयार की जाती हैं और कैसे बेकरियों तक सप्लाई की जाती हैं। तो मेरे पीछे ये देखें जी, रस तैयार हुए पड़े हुए हैं। तो अभी सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जी, ये वाली मशीन है जिसमें सारा कुछ मिक्स करते हैं, तो अंकल से पूछते हैं, अंकल ये क्या क्या डाला? पानी है, बर्फ है। चीनी, पानी और बर्फ़ अंकल ने डाल दी है। तो अभी उसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। 30 किलो मैदा अंकल ने डाल दिया। उसके बाद क्या डालने लगे हैं? ईस्ट। अब क्या डालने लगे हैं गली? एक का पाउडर। अंकल ये बना क्या रहे हैं? ब्रेड, डबल रोटी। ठीक है, ये भी केमिकल है। ये भी केमिकल है। अंकल इसमें साथ साथ ठंडा पानी और बर्फ़ ऐड कर रहे हैं। अंकल बता रहे हैं कि इसको अगर बर्फ़ ना ऐड करेंगे तो फिर वो गर्म हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए अंकल इसमें बर्फ़ ऐड कर रहे हैं, ठंडा पानी ऐड कर रहे हैं। मोहम्मद यासिन भाई जी बना रहे हैं ये ब्रेड का डो। ये 30 साल से मैं कर रहा हूँ। 30 साल से कर रहे हैं, सही हो गया। अभी ब्रेड के डो को तैयार होने में 15 मिनट और लगेंगे, जिसके बाद ही ब्रेड का डो तैयार हो जाएगा। अंकल से मैंने पूछा है कि अंकल जी, एक दिन का कितना आपका मैदा इस्तेमाल हो जाता है? तो अंकल ने मुझे बताया 150 किलो मैदा जी एक दिन में इनका इस्तेमाल हो जाता है। 36 किलो मैदा है, तो इसमें 4 किलो चीनी इस्तेमाल होगी, अंकल ने बताया। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, देखिए फूलना स्टार्ट हो गया भाई। ये सारा बैटर जो सा बड़ा, आवाज़ें आपको आ रही होंगी, ये देखें आवाज़ें आपको आ रही होंगी। अब घी ऐड करेंगे जी। अगली साढ़े में कितना ऐड होना है? आधा किलो की। अभी जिस बर्तन में अंकल ने निकालना है, उसको ग्रीस करें ऑयल के साथ। बैटर तैयार हो गया। अभी जो बैटर तैयार हो गया, उसको बॉइल ले आएंगे। अभी 1100 ग्राम करना है, 1100 ग्राम। इसी तरह की सारी ब्रेड्स बनाई जानी है, 1100 ग्राम। ये जी ब्रेड के मोड हैं। ब्रेड के बाद अंकल अब बनाने लगे हैं जी, बर्गर के जो बंद होते हैं वो बनाने लगे हैं। उसके लिए कितना ग्राम? 90 ग्राम। ये देखिए जी, 90 ग्राम होगा, जो बंद नहीं बनाते बर्गर वाला जो सा बंद है उनका, 90 ग्राम करके अंकल उधर दे जाएंगे। ये बर्गर के मोड हैं, ये देखेंगे।
तरफ जी गोल बन जो है वो तैयार हुआ है, उसके मोड़ हैं ये, अभी ऑयल लगाया जा रहा है इनको। ये जी ओवन है, इसमें 250 से 300 डबल रोटी तैयार हो जाती है इसमें एक टाइम पे। कितना बड़ा ओवन है ये आप देखें, मशीन इनकी, तो मैं ये देख के हैरान हो गया हूँ। देखें माशाल्लाह हीट तक पहुंच रहा है, ठीक है 200 दी हीट है बटन में, और ऑन द ऑफ है, बिजली दे रहा है, जितनी बत्ती मिल रही है वो जितनी बत्ती मिल रही है। अभी ब्रेड ये तैयार हुई हैं और ये लग रही हैं तरतीब के साथ ये, माशाल्लाह। अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो अंकल तरतीब से लगा रहे हैं। अंकल ये कितना टाइम लगेगा ठंडे होते हुए? एक घंटा लगेगा इनको ठंडे होते हुए। ये देखें अभी कुकिंग ऑयल लगा दिया ऊपर। ये शुगर फ्री जो होते हैं उनके लिए ये बन रहा है। हाँ जी, पहले अंकल ने वो मैदा डाला है, पेस्ट बैटर डाला है शुगर फ्री वाला। हाँ जी, और इसके बाद चोखर इसमें डाल दिया। ये केमिकल डाल रहे हैं जो शुगर को की रोकता है, शुगर को रोकता है वो केमिकल। हाँ सही, ताकि इंसान को ज़्यादा शुगर ना हो। सही, जी शुगर फ्री ब्रेड तैयार हो गई है। अब इसकी ब्रेड तैयार करेंगे अंकल, अभी टूटी फ्रूटी, अभी फूड ब्रेड तैयार होगी, टूटी फ्रूटी अंकल ने ऐड कर दी है। अभी जी फूड ब्रेड तैयार हो रही है, उसमें टूटी फ्रूटी अंकल ने ऐड कर दी है, उसके बाद ये कोई केमिकल है ये ऐड कर दिया है, उसका रंग डालना है जी, कलर ऐड कर दिया अंकल ने। अभी फूड ब्रेड तैयार होगी, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे साड़ी। अभी अंकल चॉकलेट ब्रेड तैयार करने लगे हैं, अंकल ने चॉकलेट ही ऐड कर दिया, पहले बैटर लिया उसमें चॉकलेट ऐड कर दिया। गोल बर्गर बन, लंबे वाले बर्गर बन, अभी ये तैयार हो गए, अभी इनको बाहर निकालते हैं। और काफ़ी इधर हीट अप है आगे, कैमरा मेरा नहीं जा रहा। फ्रूट ब्रेड की बारी है, 450 ग्राम। अभी चॉकलेट की बारी, चॉकलेट ब्रेड, ये देखें जी माशाल्लाह। सुबह का मैं आया हूँ और अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, टाइम हो गया 12 बज रहे हैं, और अंकल ने सारी ब्रेड जितनी भी थी वो सारी इधर बना दी हैं। तो रसों का आज अंकल कह रहे हैं नहीं, आज रस नहीं उन्होंने बनाने, तो ब्रेड मैंने आपके साथ सारी शेयर की हैं और बन वगैरह। ये सारे भाई जी इधर काम करते हैं, अभी ये सारे थोड़ी रेस्ट कर रहे हैं, सारा इन्होंने काम ख़त्म कर दिया। आपका क्या नाम है? आसिफ। और ये छोटे भाई भी काम करते हैं, आपका क्या नाम है? अजीम। ठीक है, आपका? बिलाल। आपके क्या नाम है? गली मोहम्मद अकरम। और आपका यासीन आपने बताया था, तो सारे भाई माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अभी ये जी एक्सपायर डेट जो होती है वो उसके लिए लगाने लगे अंकल, ये लग गया, इसी तरह साड़ी लगा लेंगे अंकल। ये देखें जी, ये मुझे फर्स्ट टाइम पता चला इसके ऊपर डेट होती है एक्सपायर डेट, तो डेली इससे चेंज होती है डेट इससे, ये मशीन से, तो फिर वो एक्सपायर डेट जो बंद वगैरह को ब्रेड वगैरह को लगती है, तो ये मैंने पहली बार देखा है, कमाल है। अभी ये जी वो मशीन है जिसे भाईजान ने ब्रेड के स्लाइसेस करने हैं, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। देखें कितनी ज़्यादा डबल रोटी हैं, इस तरफ भी उस तरफ भी।
शुगर का आप देख सकते हैं, मैंने शुरू से लेकर एंड तक आपको दिखाई है ब्रेड। ये देखें कंप्लीट ब्रेड तैयार है ये वाली, आप देखें। इसी तरह अब ये दुकानों पे जाएगी, बेकरीज वगैरह पे जाएगी। इसमें 28-28 स्लाइसेस इसमें होते हैं। ये बड़ी ब्रेड है और इसकी प्राइस 120 रुपये है, ये फुल साइज है ये, माशाल्लाह। वो अंकल जी बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम्हें मैंने इतना टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया भाई जान, अरे भी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जान। मैं जो अंकल से ब्रेड लेके आया हूँ ये वाली, तो अभी मैं ये टेस्ट करता हूँ। साथ चाय, बहुत ज़्यादा मज़ा है। तो व्यूवर्स आज मैंने पूरा दिन लगा के ये वाली वीडियो बनाई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी सारी वीडियो अच्छी लगी होगी, हर वीडियो अच्छी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मुझे दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।